इंदौर में खजराना पुलिस ने सूरज नगर में रहने वाले जितेंद्र नामक युवक को धक्का देकर मोबाइल छीनने वाले दो बदमाशों को पकड़ा है, जिनके पास से मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। पकड़ाए दोनों ही बदमाशों से पुलिस पूछताछ में जुट गई है, जिससे कि अन्य चोरी व लूटपाट जैसी घटनाएं भी सामने आने की संभावना है। इंदौर के खजराना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दो बदमाशों को पकड़ा है, जिन्होंने पिछले दिनों थाना क्षेत्र में मोबाइल लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पकड़ाए बदमाश का नाम सलमान और अम्मान और रिजवान रईस नाम है, जो कि रावजी बाजार के रहने वाले हैं। फिलहाल पकड़ाए दोनों ही बदमाश से पुलिस पूछताछ में जुटी है, ताकि अन्य शहर में हुई मोबाइल लूटपाट की घटनाएं भी सामने आने की संभावना है। बदमाशों से लूटा हुआ मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये मामला है दिनांक 6 तारीख को एक जितेन पिता अनोखीलाल था, उससे वो पैदल पैदल आ रहा था तो पीछे से आए और उसको धक्का मुक्की करके मोबाइल छीन के भागे थे। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना खजराना पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। जो आज विवेचना के दौरान उपी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि घटना के समय जो हुलिया आया है, उस हुलिया के दो लड़के जो है प्रीतिनगर मोबाइल की दुकान के सामने बेचने की फिराक में घूम रहे हैं, तो मुखबिर की सूचना पे हमरा फोर्स से यहाँ से लेकर रवाना हुए और कद काठी और हुलिया के आधार पर बताए अनुसार दो लड़कों को पकड़ा है। तो उनके पकड़ने के बाद पूछताछ करते अपने अपराध करना स्वीकार किया है।